करने के साथ ही क्रिकेट पर सट्टा लगाने के मामले भी सामने आ रहे हैं। हालिया मामला गणेशपेट पुलिस थाना अंतर्गत क्राइम ब्रांच यूनिट 3 का है, जहां पुलिस ने छापा मारकर एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। वहीं दूसरे आरोपी की खोज में पुलिस जुटी हुई है। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रदीप रायनवार ने अधिक जानकारी साझा की। वैसे तो क्रिकेट को जेंटलमैन का गेम कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग इस जेंटलमैन की खेल कहे जाने वाले क्रिकेट पर सट्टा लगाकर इस खेल की प्रतिमा को खराब करने का काम करते हैं। हालिया मामला गणेशपेट पुलिस थाना अंतर्गत का है। मिली जानकारी के अनुसार गणेशपेट पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने साई श्रद्धा अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 201 संतरा मार्केट निवासी आरोपी राहुल अग्रवाल के घर छापा मारा, जिस दौरान आरोपी राहुल और आरोपी रोहित ये दुबई में चल रही IPL की दिल्ली और हैदराबाद की मैच पर स्क्वायर लाइट TV के जरिए स्कोर देखकर सट्टा लगा रहे थे। इस वक्त पुलिस ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। वहीं रोहित की खोज में पुलिस लगी हुई है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रदीप रायनवार ने अधिक जानकारी साझा की। काल गणेशपेठ पोलीस स्टेशन एरियातील बजेरिया या ठिकाणी एक कट्ट्या क्रिकेटच्या संदर्भातला सट्टा चालू आहे। त्या संदर्भात आम्हाला माहिती गोपनीय माहिती मिळाली होती। आम्ही त्या ठिकाणी जाऊन रेड केली, तर त्या ठिकाणी राहुल रमेशचंद्र अग्रवाल हा क्रिकेटचा सट्टा घेत असताना आम्हाला मिळून आला। त्याच्याजवळून आम्ही 4 मोबाईल, 1 TV सेट अशा वस्तू आम्ही जप्त केलेल्या आहेत आणि पुढील कारवाईसाठी त्याला गणेशपेठ पोलीस स्टेशनच्या ताब्यात देण्यात आलेला आहे। काल हैदराबाद आणि दिल्ली याच्यामधील मॅचच्या संदर्भात तो सट्टा घेत होता आणि अजून आरोपी असण्याची शक्यता आहे, त्याबद्दल अधिक चौकशी गणेशपेठ पोलीस स्टेशन करत आहोत। आम्ही त्याचा समांतर तपास करीत आहोत। बता दें कि पुलिस ने इस दौरान 68,315 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। वही आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।